गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स में आज हमको पढ़ना है सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम हर वो सब्सटेंस है, हर वो मटेरियल है जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सिस्टम क्या है? ब्रह्मांड का वह भाग है जो अध्ययन के अंदर अध्ययन अंतर जैसे कि सिस्टम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मेरे हाथ में एक चौक है, ये चौक, अगर चौक के बारे में अगर हमको जानना है तो ये चौक इस समय हमारा क्या है? सिस्टम है। अगर हमको इस बोर्ड के बारे में जानना है तो ये बोर्ड क्या हो गया? सिस्टम है। तो सिस्टम हर वो सब्सटेंस हो सकता है जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और सिस्टम की एक डेफिनेट बाउंड्री होती है, जैसे ये एक बीकर और बीकर मेरे अगर हमको लिक्विड का इस लिक्विड के बारे में जानना है तो लिक्विड क्या हो गया? हमारा सिस्टम हो गया, क्योंकि हम लिक्विड के बारे में जानना है। अब कोई भी सिस्टम हो उसकी अपनी एक डेफिनेट बाउंड्री होती है, जैसे कि यहां पर बीकर का एक बाउंड्री है, ये जो जिसके अंतर्गत है हमारा लिक्विड इसमें बीकर में, तो इसका अपनी एक डेफिनेट बाउंड्री है। तो एक चीज और दिखा सकता है, सिस्टम इंक्लोज इन अ बाउंड्री। अब बाउंड्री क्या हो सकती है? रियल भी हो सकती है और इमेज भी। तो दो चीज हम लोग को पता चला, पहले तो सिस्टम क्या है? सिस्टम हर वो सब्सटेंस हो सकता है यूनिवर्स का जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। दूसरा, सिस्टम का अपना एक बाउंड्री होता है जिसके अंदर वो इंक्लोज होता है। अब ये बाउंड्री रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। दूसरा जो तो पार्ट है सिस्टम वो है सराउंडिंग। सराउंडिंग को हिंदी में परिवेश कहते हैं। सिस्टम को किसी भी निकाय कहा जाता है, तो सराउंडिंग क्या है? यूनिवर्स में जो भी चीज अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो सिस्टम है, और सिस्टम के अलावा जो भी चीजें हैं यूनिवर्स में वो सारी की सारी चीजें सराउंडिंग में आती हैं। तो लिख सकते हैं ब्रह्मांड में निकाय के अतिरिक्त समस्त व्हाटएवर द थिंग्स इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम कॉल्ड सराउंडिंग। सो ब्रह्मांड में निकाय के अतिरिक्त समस्त परिवेश है। जैसे जिस कमरे में ये बीकर रखा हुआ है वो कमरा, अगर ये कमरा है तो ये सराउंडिंग है, बीकर सराउंडिंग में, कुछ भी इस सिस्टम को छोड़कर के बाकी सब कुछ यहां पे क्या है? सराउंडिंग है। तो ये रहा सिस्टम। और हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं,
ब्रह्मांड या विश्व निकाय परिवेश से मिलकर बना है। ब्रह्मांड जो है वो निकाय और परिवेश से मिलकर के बना। अगला टॉपिक निकाय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम तीन टाइप का होता है। इसमें सबसे पहला है ओपन सिस्टम, जिसको हम लोग खुला निकाय कहते हैं। दूसरा क्लोज सिस्टम, और तीसरा उसे हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये हमको तीन टाइप के सिस्टम जो है यहां पर पढ़ने। तो लेकिन सिस्टम का ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस बात पे बेस्ड है? सिस्टम का क्लासिफिकेशन इस बात पे बेस्ड है कि सिस्टम में दो चीजें हैं, एक तो मैटर है और जो दूसरा है वो है एनर्जी, एनर्जी फॉर्म। तो अगर तो मैटर एनर्जी का सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम फ्लो पॉसिबल है कि नहीं है, इस बात के बेस्ड है ये क्लासिफिकेशन। इसे एक बार देख लो कि सिस्टम का क्लासिफिकेशन इस बात के बेस्ड है कि सिस्टम में इंक्लोज मैटर और एनर्जी या कि सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम उसका फ्लो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। जैसे ये एक सिस्टम है, लिक्विड सिस्टम हम लेकर क्लियर है, देख पा रहे हो? लिक्विड सिस्टम वालों ने मान लिया। तो लिक्विड की क्या है? लिक्विड में जो मैटर है ये क्या सराउंडिंग में जो है, अगर वो किसी सराउंडिंग में इसको गिरा जाता है, सराउंडिंग में कॉन्टेक्ट में है या सराउंडिंग से इसका ट्रांसफर पॉसिबल है, तो और इसका हीट जो है सराउंडिंग से पॉसिबल है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम है। तो यहाँ पे एक लिक्विड सिस्टम है, लिक्विड सिस्टम है, और इस सिस्टम का मैटर और हीट दोनों ही सिस्टम टू सराउंडिंग एक्सचेंज पॉसिबल, यानी हम लोग इसको देख सकते हैं तंत्र परिवेश के मध्य। ऊष्मा पदार्थ दिन में यदि संभव यदि तत्व ऊष्मा के मध्य तत्व और परिवेश के मध्य ऊष्मा और पदार्थ का विनिमय यदि संभव है तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं? ओपन सिस्टम। जैसे कि सवेरे सवेरे हम लोग जिस प्याली में चाय पीते हैं और तो हम लोग चाय को जो सोल्यूशन जो चाय है अगर उसको हम सिस्टम मान लें और तो हम लोग जब प्याली उठाते हैं चाय पीने के लिए तो ऑब्वियस सी बात सिर्फ करके पी लेते हैं और हम लोग हैं सराउंडिंग, चाय हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम को सराउंडिंग मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है और हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग चाय को क्या कहेंगे? ये ओपन सिस्टम है। लेकिन दूसरी चीज
अगर धन और परिवेश के मध्य तो पहले की होगी, परिवेश के मध्य यदि उष्मा और पदार्थ भरी में संभव नहीं अगर ऐसी कंडीशन है तो हम लोग सिस्टम को क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम। जैसे कि मान अगर इसमें हम एक ऐसा स्थान रखें, एक ऐसा प्लेट रखें जिसके थ्रू यहां पे थोड़ा सा कनेक्शन है, यदि तंत्र और प्रवेश के मध्य पदार्थ का निर्णय है, यदि तंत्र और प्रवेश के मध्य यदि पदार्थ नहीं है, संभव नहीं, संभव नहीं है, लेकिन उष्मा विनिमय संभव है, लेकिन उष्मा विनिमय संभव है। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम को क्लोज सिस्टम। जैसे कि मान लो ये गर्म गर्म जो है लिक्विड है और उसके ऊपर हमने एक रखी एल्यूमिनियम की प्लेट रखी और इस स्पीकर को बंद कर, तो अब इसी बात का अंदर का मैटर तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन एक बात पक्की है कि ये जो हीट जो अंदर है वो सराउंडिंग को ट्रांसफर हो। गर्म करके मान लो अगर हम लोगों ने थोड़ी देर गर्म किया लिक्विड को और उसके बाद हम लोगों ने गर्म करना बंद कर दिया, तो कुछ देर तक तो सिस्टम गर्म रहेगा और धीरे धीरे हीट लॉस होता जाएगा और एक समय आएगा जब सिस्टम जो है रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो इस पूरे कंडीशन में क्या होगा, प्लेट रखने पर मैटर का तो एक्सचेंज नहीं हुआ लेकिन हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम। क्या कहता है, क्लोज सिस्टम। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में मान लो हम यहां पर एक इंसुलेटर इंसुलेटर बिल्कुल इंसुलेट करने का सेंस क्या है, इसे जैसे कि थर्मस थर्मस मिल्टन की थर्मस या कोई सभी थर्मस में जिसमें हम लोग पानी काफी देर तक गर्म रखते हैं, तो क्या होता है कि गर्म पानी तो काफी देर तक रहता है और जब सील रहता है ऊपर से तो न ही मैटर बाहर जा पाता है न ही अंदर का हीट बाहर जा पाता है। तो ऐसे कंडीशन में जहां मैटर और हीट का एक्सचेंज मैटर और हीट का एक्सचेंज वो इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल नॉट पॉसिबल अगर हो तो ऐसे कंडीशन हम सिस्टम को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, जहां पर मैटर हीट एक्सचेंज सिस्टम को सराउंडिंग या सराउंडिंग को सिस्टम पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अभी हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, सिस्टम की दो प्रॉपर्टीज, एक होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और जो दूसरा होता है वो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। गर्म गुण क्या है, सिस्टम का वो प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सिस्टम पर, ऐसे लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ओवर, इंडिपेंडेंट ओवर अमाउंट ऑफ सिस्टम, यानी कि तंत्र में उपस्थित पदार्थ कितनी मात्रा है इस पर डिपेंड नहीं करता। अब इसके जैसे कि कई चीजें हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन
पूछना हो गया घन तो हो गया शांत ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टी है ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत काम किया जाते हैं। जैसे इसका मतलब चेक हो इसे मान लेते टेम्परेचर की बात करते हैं ठीक है यही कमरा है ठीक। अभी कमरे में आप देखो आप इस कमरे में देखो कि दो हम लोग क्या कर देते हैं दो क्राइटेरिया में इसमें एक बड़ा क्राइटेरिया है छोटा क्राइटेरिया है छोटे कंटेनर के लिपिड कंटेनर लिपिड वाला सिस्टम बड़े क्राइटेरिया में हमें सेम लिपिड रख देते हैं और इस कमरे का टेम्परेचर भी लिखा हुआ है सेम सिस्टम दोनों में दोनों कंटेनर में सेम सिस्टम लेकिन एक में सिस्टम क्या है उसका मान कम है और एक में सिस्टम का मान ज्यादा है तो जानो कि आप दोनों ही कंटेनर में जो लिक्विड का जो टेम्परेचर पावर क्या है होगा 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो आप देख पा रहे हैं कि सिस्टम का मान कितना बदल गया उसका टेम्परेचर क्या है सेम ही रहता है एक डेफिनेट पेरिफेरी के अंदर एक डेफिनेट बाउंड्री के अंदर जब हम आपका सिस्टम को रखें तो सिस्टम का अमाउंट कुछ भी हो सिस्टम का अमाउंट कुछ भी हो टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो टेम्परेचर हो गया कॉन्सेंट्रेशन हो गया स्पेसिफिक हीट हो गया डेंसिटी हो गया विस्कोसिटी हो गया सरफेस टेंशन हो गया ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज होते हैं वो अस अमाउंट ऑफ सिस्टम पे इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कि उस पर निर्भर नहीं करती है पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती तो ये हो गया हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी ग्रहण अगर यही अगर डिपेंडेंट होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो वो जितनी भी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करती है वो सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे आती है जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स मास वॉल्यूम एंथैल्पी एनट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी ये सारे सारे के सारे प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है तो ये रहा प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम अभी हमारा टॉपिक है तंत्र की अवस्था तो आप जानो कि कोई भी सिस्टम अगर किसी थर्मोडायनामिक स्टेट में है तो उसकी कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है मेजरेबल प्रॉपर्टी जैसे कि टेम्परेचर हो गया प्रेशर हो गया वॉल्यूम हो गया कॉन्सेंट्रेशन हो गया ऐसे का किसी भी सिस्टम की अपनी कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है यानी कि जो मापा जा सकता है तो अगर कोई सिस्टम एक डेफिनेट स्टेट में है या अगर कोई तंत्र एक निश्चित ऊष्मा गति की अवस्था में है डेफिनेट थर्मोडायनामिक स्टेट में है तो इसका मतलब है उसके सारे के सारे मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ पोल एक्सेट्रा ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है डेफिनेट है जैसे कि हम कहें कि एक लिक्विड ले लिया
सिस्टम है। अगर हम इस समय 25 डिग्री सेल्सियस पर है, क्लियर, और इसका बॉइलिंग 100 ml है, क्लियर, और इसका जो मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी, अगर इसका 1 मोल है, क्लियर, और प्रेशर ये 1 एटीएम एक्सर्ट कर रहा है ओवर द सराउंडिंग, तो इस लिक्विड सिस्टम के ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है देख पा रहे हैं, डेफिनेट वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ये जो सिस्टम है उसके जो मेजरेबल प्रॉपर्टी यहां दिए गए उनकी वैल्यू डेफिनेट है। तो इस डेफिनेट वैल्यू के साथ ये सिस्टम एक डेफिनेट स्टेट में, एक डेफिनेट थर्मोडायनेमिक स्टेट में माना जा रहा है। यहां पर हम लोग कह सकते हैं ये जो लिक्विड सिस्टम है एक थर्मोडायनेमिक, एक डेफिनेट थर्मोडायनेमिक स्टेट में, क्योंकि इसके सभी मापनीय गुण कैसे हैं, स्थिर, सभी मापनीय गुण कैसे हैं, स्थिर है, उनका एक डेफिनेट वैल्यू है। अगर ये वैल्यू बदल जाए, सपोज करो ये सिस्टम एक डेफिनेट स्टेट ए है, और अगर ये वैल्यू में से कोई भी वैल्यू फ्लक्चुएट हो गई, कोई सी वैल्यू फ्लक्चुएट हो गई, तो इस सिस्टम को दूसरे डेफिनेट स्टेट में माना जाए। तो मेजरेबल प्रॉपर्टी किसी अदर सिस्टम की फिक्स है, तो हम लोग कहते हैं वो सिस्टम एक डेफिनेट स्टेट में है।